नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले महासंग्राम। तो रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा के मंच से राज्य सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आज जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है वहां करप्शन का मतलब है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस आलाकमान एटीएम मशीन की तरह यूज कर रही है। किसान जहां छत्तीसगढ़ में परेशान है, दुखी है, वहीं गांधी परिवार यहां के पैसों से सुखी है। जनता की गाढ़ी कमाई सीधे कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जा रही है। वहीं अमित शाह ने कहा कि यूपीए के दौर में छत्तीसगढ़ को 10 साल में 77,000 करोड़ मिले, जबकि हमने बिना भेदभाव के 10 साल में 3,00,000 करोड़ दिए। और मैं पूछने आया हूं भैया मुकेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे कांग्रेस और साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं करते। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना, मैंने करप्शन का ऐसा जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक। सर आपको कहना 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। ये भूपेश बघेल उनके शासन में छत्तीसगढ़ में न दलित खुशहाल है, न आदिवासी खुशहाल है, न ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है, खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है। और जो 2004 से 2014 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को, हिसाब में कराइए माताओं भाइयों बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर कितना दिया, जरा जोर से बोले कितना, 77,000 करोड़ कितना। और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अमित शाह पर पलटवार किया। अमित शाह ने भड़काऊ भाषण दिया है। कांग्रेस का ये कहना है छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने की कोशिश है, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस, रमन सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएं, ये कहना है कांग्रेस का। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस और करप्शन इसे लेकर हमला किया तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह ने भड़काऊ भाषण दिया है, छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने की कोशिश और चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। उन्होंने सीधे सीधे सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे की बात की है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय, सबसे पहले तो हम अपेक्षा करते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव आयोग स्वयं निर्णय ले, स्वयं कार्रवाई करे। और कांग्रेस पार्टी भी अपने तरफ से उनके खिलाफ शिकायत करने जा रही है। देखिए ये मुद्दा भी है, इनके पास में जब जब ये विपक्ष में रहते हैं इनके पास मुद्दे दिए जाते हैं, तो जहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, जहाँ ईसाई है वहाँ हिंदू ईसाई करेंगे, जहाँ पे सिख है वहाँ हिंदू सिख करेंगे। ये आदतन सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला दल है और वही कार्य कर रहे हैं। तो दरअसल एक तरह से ये तय हो गया कि अब जो हमले होंगे उनकी रीति नीति पहले से तय थी, रणनीति अब तय हो गई है और आक्रामकता भी तय हो गई है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, ममता के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, नीति पहले से तय थी, आज केंद्रीय गृह मंत्री ने यह तय कर दिया कि आक्रामकता कितनी होगी और करप्शन के मुद्दे पर कैसे घेरा जाएगा। जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो करप्शन की बात का आरोप लगाया उन्होंने, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता को जो है वो मुद्दा बनाएगी यहाँ पर बीजेपी। तो विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले भी तय हो गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे तब उन्होंने जो टैगलाइन बोली थी, उसके साथ ही उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तब भी उन्होंने जो है बीरनपुर मामले का जिक्र किया था, और अभी भी जब वो आए हैं तो उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया। और उन्होंने ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी जो है जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके अलावा किस चीज को जो है वो इशू बनाएगी। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग से कंप्लेन की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा है नहीं, यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं और इसको लेकर शिकायत की जाएगी। अभी दीपक बैज का बयान आया है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर लटकाने की बात ही है तो 36,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में जो है डॉक्टर रमन सिंह को क्यों नहीं लटका दिया जाता। तो ये इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री फिर से 20 तारीख को आने वाले हैं तो जाहिर तौर पे उनके बयान आएंगे, उसके बाद कांग्रेस का फिर से पलटवार होगा, चुनावी नतीजे जो निकलेंगे उसके बाद तय होगा कि जनता ने किन मुद्दों को लेकर जो है किसे चुना है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने आज राजनांदगांव विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। उनके साथ जो जिले की बाकी 3 विधानसभा सीट हैं वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वो हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। रमन सिंह के नामांकन में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया माननीय अमित शाह जी। इस नॉमिनेशन में हम सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने जिले के 4 प्रत्याशी हमारे और 4 प्रत्याशी के लिए डूंगरगढ़ राजनांदगांव और खुच्ची 4 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की। माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है और वहां से आया हूं। और नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। इसमें उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के बीजेपी के सभी 4 प्रत्याशी योग्य है। इस बार राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, अभी नामांकन दाखिल करके लौटे हैं। बताएंगे क्या उम्मीद थी कि कांग्रेस का एक दमदार कैंडिडेट आपके पक्ष में विपक्ष में खड़ा होगा, गिरीश देवांगन आया है। गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने चयन किया है। राजनांदगांव के योग्य प्रत्याशी बहुत सारे हैं, राजनांदगांव में काफी सक्रिय लोग भी हैं, मगर पिछले 10 सालों में राजनांदगांव की लगातार कांग्रेस ने उपेक्षा की है और इस बार भी बाहर से प्रत्याशी लाए गए हैं तो उसके प्रति बहुत ज्यादा रुचि राजनांदगांव को नहीं होगा। पहचान का संकट होगा, गांव-गांव के लोग आज रैली में आए थे, पूछ रहे थे गिरीश देवांगन कौन। डॉक्टर साहब, जीत के दावे आप भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कांग्रेस 75 पार का नारा दे रही है, आधार क्या है?
जो भ्रष्टाचार 5 साल भूपेश ने किया है, जन घोषणा पत्र वादे अधूरे हैं, और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, तो 75 पार की बात तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी साफ होने वाली है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। बाकी 60 सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 60 सीटों पर एक बार फिर दिल्ली में मंथन होगा और इसके बाद अगली लिस्ट जारी हो सकती है। बैठक शुरू हो 60 सीटों पर तो मंथन। पोलिंग बूथ में भी मैं जाऊं 40 लाख रुपए तो वहीं खत्म हो गए। ये चुनाव आयोग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। ये केवल सर ये केवल क्या सोचिए विधायक के लिए हो रहा है कि बीजेपी वालों के लिए भी हो रहा है? मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी 89 में किसी के बारे में ना हो रहा। मैं तो अपना अनुभव आपको 14 पोलिंग में कर पाया 2 दिन में, जल्दी जल्दी वापस आना था, 1 दिन 8 आज 6, तो ये 14 पोलिंग का मैं अनुभव बता रहा हूँ। ये जिन जिन विधायकों को बदला गया है उन विधायकों से आप लोगों की बातचीत हुई? नहीं, टच में है, जिनका चेंज भी हुआ है उसमें से कुछ लोग टच में है। उसमें 8 लोग बदले हैं, 1 देवती कर्मा जी हैं जिनके जगह उनके लड़के आए हैं, दूसरे सोरी जी हैं, तीसरे अनूप नाग जी हैं, वो पहले भी टच में, छन्नी साहू जी हैं वो भी टच में है, नवागढ़ के विधायक हैं वो भी टच में रहे, डोंगरगांव वो भी टच में है, ममता हैं वो भी टच में है। और मन छोटा तो होता है, जिनको काम करने का मौका मिला, जिसको टिकट मिला या जिनको नहीं मिलेगा, वो सबके मन में कुछ न कुछ तो मायूसी छाती है। टिकट तो 1 को मिलना है, अब अंबिकापुर में 110 दावेदार, तो 109 को कुछ तो मायूसी लग सकती है। जी क्योंकि दावेदार तो 1 से ज्यादा हर विधानसभा में है, तो उतने लोगों को तो लगेगा मेरा नहीं हो। हाँ वो हो स्वाभाविक होता, कट सकते हैं समीक्षा में, नया पुराना तो होता ही है, जैसे 8 अभी चेंज हुए। ये अमित स्ट्राइक रेट ऐसे रहेगा क्या? पिच बदलेगी लेकिन अब पता नहीं चाहिए। अरे ये जो काटे जाने टिकट तो उसे परफॉर्मेंस देखा जा रहा है या फिर ये नहीं कि मेरा उम्मीदवार कौन है या जाति का समीकरण या बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची देखकर? कांग्रेस की ये निश्चित रूप से सोच रही है कि महिलाओं को पिछले बार जितनी सीट मिली उसे ज्यादा दें, और जाति समीकरण में भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओबीसी समाज को पिछले बार से कम सीट मिल रही, ये बात तो ध्यान। और कांग्रेस ने पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया है। बस्तर की जो 12 सीटें हैं उनमें से 11 पर प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन जगदलपुर की जो सीट है उस पर कई दावेदारों की वजह से सस्पेंस बना हुआ है। मलीत सिंह गैदू हैं और जतिन जायसवाल इस सीट से दावेदारी जता रहे हैं, इसे ही लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो जगदलपुर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ेंगे। अशरफ के पास हम आपको लिए चलेंगे। अशरफ आपको नजर आ रहे होंगे। अशरफ कांग्रेस की लिस्ट आई, 30 का नाम भी हुआ, पहले चरण की 1 सीट बाकी भी है, जगदलपुर सीट बाकी है, मंथन का दौर भी अभी चल रहा है। अशरफ हाँ बिल्कुल ललित, देखिए जो जगदलपुर की सीट है बस्तर में, यहाँ पर पहले चरण में मतदान होना है 7 तारीख को, लेकिन 1 सीट पर इन्होंने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
तो उसके पीछे जो बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा मजबूत दावेदार है, इस वजह से चुनाव करने में दिक्कत आ रही है, पेच फंसा हुआ है, इसे सुलझाना है। और इसी पहली लिस्ट जो उन्होंने कांग्रेस की जारी की है उसमें 30 सीटें हैं, बाकी अभी 60 सीटों पर अभी और प्रत्याशियों को घोषित करना है। आज मुख्यमंत्री यहाँ रात तक पहुंचेंगे, देर रात तक, और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी आ रहे हैं। कल फिर मंथन का दौर शुरू होगा, फिर इन्हीं सब चीजों पे ये एक राय बनाने की बात की जाए, और उसके बाद फिर ये, क्योंकि समय कम है तो उम्मीदवारों के नाम भी घोषित करने हैं। तो जल्द से जल्द कोशिश ये होगी कल मुख्यमंत्री की कि वो तमाम बड़े जो राज्य के नेता हैं उनके साथ सबको लें, उनको बैठें, विचार करें कि हमें किसको अपना उम्मीदवार बनाना है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो पत्ते हैं वो सभी खोल दिए, सिर्फ 5 सीटें हैं उस पर उनके पत्ते नहीं खुले, तो बाकी जो अब गेंद है वो कांग्रेस के पाले में, इन्हें अपना फैसला करना है। अब इसमें कितनी देर लगती है ललित, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के, इस अपडेट के लिए, और सहयोगी अशरफ विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। इधर जगदलपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी बयानबाजी जोर पकड़ रही है। बीजेपी एक तरफ दमदार प्रत्याशी नहीं होने की बात कह रही है, अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होने को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। वस्तुतः इनके पास कोई आदमी है ही नहीं जिस जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सामना कर सके, इसलिए टिकट में लेट टच भी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। डेंजर सिर्फ समझ रहे हैं कांग्रेस से, डेंजर नहीं, चाहे कांग्रेस के जितने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। आज एक टीवी रवि। इधर छत्तीसगढ़ में जारी सियासी संग्राम के बीच जगदलपुर में 700 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में केदार कश्यप की सभा के दौरान इन सभी ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान पूर्व मंत्री ने इन्हें फूल माला और पार्टी का गमछा पहनाकर बीजेपी में एंट्री दिलवाई। इसके अलावा केदार कश्यप ने भानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा है कि कांग्रेस डरी हुई है, तभी तो उसने सिर्फ 30 सीटों पर नाम का ऐलान किया है, और जिन 30 सीटों का ऐलान किया गया उनमें 8 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी को यह पता है कि जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। वहीं जशपुर प्रत्याशी के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ विरोध के स्वर जरूर है, उन्हें मना लिया जाएगा और सब मिलकर मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। तारीख और तारीख पर तारीख करते हुए अंततः ले दे के 90 में से 30 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी जारी करने में सफल हुई है। कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, और सरकार की विफलता का ठीकरा कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पर खोला है। 8 विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटी है, ये बताता है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ वातावरण है, क्योंकि सरकार ने केवल जनता को लूटने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है, और इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। बातचीत करके उनको समझा लेंगे, और निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत मानेंगे और अपनी बात रखने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ जाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। कोई रिव्यू के आरोप लगा रही है कि गौ तस्करी करने वाले या जमीन हड़पने वालों को उम्मीदवार घोषित किया, ये तो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस करती है। जो 15 साल जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा फिर से। इधर अरुण साव के कांग्रेस में किचकिच वाले बयान पर पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर टेंशन में है बीजेपी, टिकट बंटवारे के बाद भी जशपुर में प्रत्याशी बदलने के लिए रायपुर में आंदोलन हो रहा है, सभी सीटों पर बीजेपी में गुटबाजी हावी है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। 85 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है, कार्यकर्ता आक्रोश के व्यक्ति करने के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
बड़े नेताओं के पोस्टर और पुतले फाड़ रहे हैं। जशपुर के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आके धरने पे बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक चरित्र को दिखाता है। वहां पर टिकट देने के लिए कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया, वहां पर टिकट कुछ लोगों ने बैठ के अपने हिसाब से दे दिया। और अब एक नजर इलेक्शन टॉप 10 पर।